तो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट पी ऑफ द वर्टिकल टावर पी क्यू, दैट मीन्स सबसे पहले हमें वर्टिकल टावर बनाना होगा पी क्यू। अज्यूम दिस इज वर्टिकल टावर विच इज पी क्यू, ठीक है। ऑफ हाइट एच, इसकी जो हाइट है वो है स्मॉल एच, ओके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट पी, दिस इज द टॉप पॉइंट ऑफ पी ऑफ दिस वर्टिकल टावर, और फ्रॉम ए पॉइंट ए इसका जो एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है ए, वहाँ से ये जो एलिवेशन है ना, मतलब इस पॉइंट ए से लेकर के और इस टॉप पॉइंट के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये कह रहा है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट बी, अब वो पॉइंट बी हमें कहाँ लेना है इसमें, वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, किसका, इस टॉप पॉइंट पी का, उस बी पॉइंट से। फ्रॉम अ पॉइंट ए तो इसका एलिवेशन 45 डिग्री है, और एक पॉइंट बी होगा इस ट्राइंगल के अंदर, वहाँ से एलिवेशन इस टॉप पॉइंट का 60 डिग्री है, लेकिन वो पॉइंट है कहाँ, बी इज अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट ए से डिस्टेंस डी पर एक पॉइंट बी अज्यूम कर लेते हैं, ये यहाँ है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। अब इस बी और इस पी के बीच का जो एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, ओके, ये 60 डिग्री है। वेयर बी इज द पॉइंट एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द पॉइंट ए, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ए और डी के बीच की, ये क्या है, स्मॉल डी, ठीक है, ए भी हमारी स्मॉल डी है। फिर आगे बढ़ते हैं, मेजर्ड अलोंग द लाइन ए बी, तो ए बी बन गई है जो कि डी है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ ए क्यू, ये ए बी ए क्यू के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाती है। दैट मीन्स ये एंगल कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री, ओके, हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें रिलेशन प्रूव करना है, विच इज डी इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन इंटू एच। हमारे पास एच भी है, डी भी है, अब हम देखेंगे कि हम ट्राइंगल की जो थ्योरम थी उसे किस तरह से अप्लाई करें और कौन कौन से ट्राइंगल हम यहाँ पर यूज़ में लेंगे। हम वो ट्राइंगल्स यूज़ लेंगे जिनमें एच आ रहा है, जिनमें डी आ रहा है, उस तरह से हमारे पास में ये प्रॉब्लम, ये प्रूफ सॉल्व होगा। प्रूफ अब यह हम यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ए पी क्यू, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास एच आ रहा है, हाइट आ रही है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए पी क्यू में हम ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई करेंगे। उससे पहले एंगल्स देख लेते हैं, ये हमारे पास एंगल अवेलेबल है, ये 45 है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, बिकॉज तीनों एंगल्स का एडिशन होगा 180 डिग्री, ओके। तो 180 डिग्री कब होगा, जब ये 45 होगा, 45 90 एंड दिस इज 90, 180 हो गया। ये एंगल हमारे पास कितना होगा, दिस इज 45 डिग्री, ओके। अब हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें तीनों एंगल्स पता है और तीनों साइड्स पता है। तो कैसे होगा, एच के सामने वाला एंगल कौन सा है, दिस वन 45 डिग्री। तो सबसे पहले पी क्यू अपॉन साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू ए क्यू के सामने वाला एंगल, ये है ए क्यू अपॉन साइन 45 डिग्री, और तीसरा कौन सा है, दिस इज साइन 90 ए पी के सामने, ए पी अपॉन साइन 90 डिग्री, ओके। अब यहाँ से आप देखिए कि जो हम डिस्टेंस, क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी आ रहा है, जो हमारा रिलेशन हमें प्रूव करना है, इसके लिए कौन सा ट्राइंगल हम काम लेंगे, ए बी पी, यही ट्राइंगल यूज लेंगे, ठीक है। तो वहाँ कौन सी साइड कॉमन आ रही है, ए पी बी में, देखिए आप फिर से ए पी आ रही है, तो हम ए पी का रिलेशन निकालेंगे एच से। एच हमारे पास, पी क्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास स्मॉल एच अपॉन साइन 45 डिग्री, ए क्यू हमें नहीं पता है क्या है,
ठीक है, एक बार के लिए हम इसे हटा रहे हैं। ए पी इक्वल्स टू साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ए पी क्या आ गया हमारे पास में, ए पी आ गया एच अपॉन साइन 45 1 अपॉन रूट 2। ये वैल्यू हो जाएगी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट 2 एच। पिछले वीडियो में समझा था कि अपॉन में किस तरह से सॉल्व होगी टर्म, तो ए पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। आप इस इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम जो नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे बोलेंगे ए पी बी, ओके। उसके भी तीनों एंगल्स हमें पता होने चाहिए। वो पता करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, आप ये देखिए, आपको ये पूरा एंगल पता है, ये 45 है और ये जो एंगल ये 30 है। तो ये जो एंगल होगा इस ट्राइंगल में जो अब हमें यूज़ करना है, ये कितना होगा, ये होगा 15 डिग्री। 45 माइनस 30, ठीक है, ये 15 डिग्री होगा। और अब आप ये वाला एंगल देखिए ना, तो इस वाले ट्राइंगल को देखिए, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं आर। ये 60 डिग्री है और ये राइट एंगल है 90, तो 90 60। और ये जो एंगल होगा इसका, ये कितना होगा, 180 माइनस 90 माइनस 60, तो दिस विल बी 30 डिग्री। ठीक है, अब ये पूरा 45 था और ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री है, ये जो एंगल है, हम ए पी बी ट्राइंगल लेंगे, ये एंगल 15 डिग्री है, ये एंगल 15 डिग्री है, तो 180 माइनस 30 कितना होगा, ये जो एंगल होगा ये होगा 150 डिग्री। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल लेंगे ए पी बी, यहाँ पर हम थ्योरम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप साइड लीजिए, ये वाला एंगल लेते हैं हम, इसके सामने वाली कौन सी है, ए पी, ए पी अपॉन साइन 150, ओके। दूसरी साइड लीजिए आप, बी पी, बी पी के सामने वाला एंगल 15 डिग्री, बी पी अपॉन साइन 15 डिग्री। और एक और साइड कौन सी बची, ए बी, ए बी के सामने वाला एंगल ये 15 डिग्री, ए बी अपॉन साइन 15 डिग्री। अब आप देखिए स्मॉल डी कौन सी थी, स्मॉल डी ए बी है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल डी रख दी अपॉन साइन 15 डिग्री रख दिया, ओके। और ए पी हमारे पास क्या है, रूट टू एच गिरा है ए पी, इसे हम एक बार के लिए नेगलेक्ट कर देते हैं। ए पी हमारे पास क्या आएगी, रूट टू एच अपॉन साइन 150 डिग्री। अब हम इस रिलेशन को लेकर चलेंगे आगे, इसे किस तरह से सॉल्व करना है, और डी और एच में, क्योंकि डी और एच में ये रिलेशन है, इन्हें किस तरह से हमारा प्रूव होता है, ओके। अब हम इस इक्वेशन को स्मॉल डी की टर्म्स में लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, रूट टू स्मॉल एच अपॉन साइन 150 डिग्री, और ये साइन 15 डिग्री मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दो वैल्यूज चाहिए, एक तो साइन 15 डिग्री की और एक साइन 150 डिग्री की। अब बिकॉज साइन 150 डिग्री है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30 डिग्री, एक ही बात है। और साइन 180 माइनस 30, 180 क्या होता है, पाई, साइन पाई माइनस 30 डिग्री। अभी आप देखिए पाई माइनस है, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। जब ये 30 बाहर आएगा, इसके पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव का इशू नहीं है, तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। तो साइन 150 की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से, और अब हम निकालेंगे साइन 15 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 15 डिग्री को हम ऐसे दो एंगल्स में बाइसेक्ट करेंगे कि उनकी वैल्यू हमें पता हो, बिकॉज 15 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता होती है। हमें कौन कौन से एंगल्स की वैल्यू पता होती है, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, ठीक है। तो 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एक ही बात है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा,
साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं आप, जब साइन के पास में माइनस में हो, दो टर्म माइनस हो रही हो, एक बार साइन आएगा एक बार कॉस आएगा, बीच में माइनस का माइनस ही रहेगा, फिर कॉस के पास वो एंगल आ जाएगा जो पहले साइन के पास था, और साइन के पास मतलब एंगल्स चेंज हो जाते हैं और बीच में माइनस होता है और साइन कॉस आता है। ठीक है, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, और कॉस 30 क्या होता है, ये होता है √3/2 माइनस कॉस 45 क्या होता है 1/√2, और साइन 30 कितना होता है 1/2। यहाँ से क्या आ गया 1/√2 तो कॉमन आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा √3 - 1, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई साइन 15 डिग्री का। अब हम इन वैल्यूज़ को जो अबव इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, डी इक्वल्स टू √2h अपॉन साइन 150 है, साइन 150 कितना है 1/2। ओके, और साइन 15 डिग्री मल्टीप्लिकेशन में रख दीजिए 1/√2 √3 - 1, यहाँ पर अपॉन सोल्व करना हमने पिछले वीडियो में देखा ही था, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2√2h अपॉन में बन रह गया 1/√2 √3 - 1 ब्रैकेट में। ओके, अब 2√2 से 2√2 कैंसिल, ये क्या आ गया √3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय एच इक्वल्स टू स्मॉल डी। अब आप देखिएगा, हमें यही प्रूव करना था। आई होप इट हेल्प्स।